हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा ओवरहेड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे प्रीवियस जो हमने इस चैप्टर की वीडियो करी है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, वो आपको हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो सीरीज है प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख लेना। आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 2 की पार्ट नंबर 3 वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग की, इसका टॉपिक रहेगा ओवरहेड्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जो आपको नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ओवरहेड्स। देखिए, ओवरहेड क्या होता है, इससे प्रीवियस जो वीडियो हमने करी थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस में डायरेक्ट लेबर प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है प्राइम कॉस्ट। प्रीवियस वीडियो में जब हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे तो उसमें 3 एलिमेंट्स थे, मटेरियल कॉस्ट और एक्सपेंसेस। उनमें भी आगे दो दो पार्ट थे सबके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट चीज़ें हैं तीनों की वो तो हमने ले ली प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और जो अब बची हुई जो तीनों की इनडायरेक्ट चीज़ें हैं ना, वो हम ऐड करेंगे तो ओवरहेड निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो तीन कॉम्पोनेंट्स हैं जो कॉस्ट के, उनके आगे दो पार्ट हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट तीनों को ऐड कर देंगे डायरेक्ट वाले पार्ट को तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकलेगा, और इनडायरेक्ट वाले तीनों चीज़ों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा ओवरहेड निकलेगा। यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस में इनडायरेक्ट लेबर प्लस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरहेड निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, ओवरहेड। देखिए तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ओवरहेड्स आर एग्रीगेट ऑफ फॉलोइंग, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो एक ओवरहेड का एक पार्ट है। देखो, बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए कि जो ओवरहेड है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो डिफरेंस इन दोनों में क्या हो गया कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ओवरहेड का एक सिर्फ पार्ट है। ठीक है, और जबकि ओवरहेड है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये इसका एक मेन पार्ट हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड ऑन कॉस्ट। ओवरहेड और ऑन कॉस्ट में ये फ़र्क होता है, ओवरहेड तो होता है तीनों का जोड़, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा ओवरहेड। और ऑन कॉस्ट होता है, ऑन कॉस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का जो डाटा अपने पास आएगा उसका जो परसेंटेज निकालेंगे ना आप, वो होएगा हमारा ऑन कॉस्ट। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड को भी आगे तीन फर्दर पार्ट में बांटा गया है, जिसमें एक आता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री के सारे खर्चे आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसके अंदर सारे आते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर दोज विच आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री इन कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट ऑफ फैक्ट्री, पावर, लाइटिंग, हीटिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। यानी फैक्ट्री के जितने भी खर्चे आ जाते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगी एग्जांपल का क्या क्या होता है क्या नहीं होता। आगे है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में सिर्फ क्या होता है, ऑफिस का खर्चा सारा आता है इसके अंदर। और आगे आता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
के अंदर अगर आप जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएगा। अब देखो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आएगा आपको क्या मैं बता रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, अ चार्ट शोइंग टोटल कॉस्ट डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज गिवन बिलो। देखो टोटल कॉस्ट है 8000, ठीक है, कैसे निकला वो तीनों चीज से मिलके बनेगा, क्योंकि कॉस्ट के यहाँ पर एक मिनट आगे तो नहीं है ना, हाँ ये रहा, ये देखो हमने बोला कि कॉस्ट के तीन एलिमेंट हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट आई 8000, जिसमें से 5000 का मटेरियल है, लेबर है 2000 की और एक्सपेंसेस है 1000 की। फिर हमने आगे बोला था कि जो मटेरियल ना आगे दो पार्ट का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर भी और एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट 4800 का मटेरियल हो गया और इनडायरेक्ट 200 रुपये का हो गया, मतलब कार के सारे पार्ट मान लो 4800 रुपये, जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 4800 रुपये के आ गए, और जो उसके नट बोल्ट वगैरह हैं वो 200 रुपये के आ गए, ठीक है। जो लेबर कॉस्ट है डायरेक्ट, जो हमारी हमने जो हायर कर रखे हैं जो लेबर, उनका कॉस्ट 1200 रुपये है, और बाहर से जो हायर किए थे जो परमानेंट नेचर के नहीं हैं वो 800 रुपये कॉस्ट है। एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट हैं वो 100 रुपये के हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चे नहीं हैं, यानी कि कौन से होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे नहीं होते, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे। तो इनडायरेक्ट खर्चे कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो 900 रुपये में 500 रुपये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होंगे, 300 रुपये ऑफिस के हैं, और जो बचे हुए 100 रुपये हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। और समझ में आया, जो मैंने पूरा पीछे पढ़ाया है वो उसका एक सार है, ये उसका एक निचोड़ है ये, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम प्राइम कॉस्ट वाली बात पे आएंगे। अब हम यहाँ पर तो हमने करा सिर्फ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इस वाले डायग्राम से पढ़ा, फ्लो चार्ट से पढ़ा। इसमें आएंगे हम प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड के बारे में, ठीक है। तो अब देखो टोटल कॉस्ट वही 8000 रुपये है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट 8000 रुपये है, हमने बोला कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, मैंने बताया था आपको जो प्राइम कॉस्ट होता है वो टोटल कॉस्ट के जो तीन एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, उसका जो डायरेक्ट वाला पार्ट है उनको ऐड कर दोगे तो आपका प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, इनडायरेक्ट वाले पार्ट को ऐड कर दोगे तो ओवरहेड निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो इस पार्ट के जो डायरेक्ट इन तीनों को ऐड कर दोगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, और इन पार्ट के मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस के इनडायरेक्ट इन तीनों चीज़ को ऐड कर दोगे तो हमारे यहाँ पे ओवरहेड निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो आ गया, डायरेक्ट मटेरियल 4800, डायरेक्ट लेबर 1200, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100, और ओवरहेड आ गए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 200, 800, 900, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फैक्ट्री के एक्सपेंसेस 500, ऑफिस के 300 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के 100, ये तो वही सेम है। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री एक्सपेंसेस के साथ साथ जो ये फैक्ट्री ओवरहेड है ना, इसके अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस के, यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं वो लेंगे, ये दोनों चीज़ नहीं लेंगे, ये ऐड होएगा प्लस में ये ऐड होएगा। कि जब हम देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालते टाइम हाँ जी देखिए, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना उसमें क्या क्या ऐड होता है, ये 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 और ये, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सिर्फ एक पार्ट और ये तीनों चीज़ें, यानी एक तो ये देख लो, मतलब कि अगर हम एक दूसरे वे में बोलें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ये तीनों चीज़ ऐड होती है, बस इसमें से ऑफिस और सेलिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ये माइनस हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये और ये जब आप ऐड कर दोगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करोगे, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं वो प्लस में इनडायरेक्ट मटीरियल और इनडायरेक्ट लेबर को जब आप ऐड कर देते हो तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड निकलता है। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो वही रहेंगे 300 के 300 रुपये, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वही 100 रुपये के 100 रुपये रहेंगे आपके, ठीक है।
तो देख लो प्राइम कॉस्ट क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट में तीनों इनडायरेक्ट चीज़ें ऐड हो जाएंगी, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सॉरी मैंने फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, सॉरी मैंने आपको ओवरहेड का बता दिया। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा, मतलब तीनों चीज़ ही ऐड होएंगी, जो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से सिर्फ जो है हमारा जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो, प्लस में हम ऐड करेंगे इनडायरेक्ट मटीरियल और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। और हम वैसे फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा प्राइम कॉस्ट में, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, जब हम फैक्ट्री कॉस्ट आएगा हमारा, उसके अंदर जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस देखिए, टोटल कॉस्ट टुगेदर विद प्रॉफिट इज द सेलिंग प्राइस, यानी जो हमारा टोटल कॉस्ट आया उसमें जब हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है। देखो बताती हूँ मैं आपको एग्जांपल से कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए प्राइम कॉस्ट क्या होता है, बताया था डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, यानी जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं तो वो प्राइम कॉस्ट कहलाते हैं, और जब प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, अब फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो, और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जब ऐड होते हैं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड बनते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है फैक्ट्री कॉस्ट आता है। ये 4000 रुपये क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट है, यहाँ लिख नहीं रखे ना, ये फैक्ट्री कॉस्ट है। और फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जब हम ऑफिस के सारे खर्चे ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है 5000 रुपये, और जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग के जो भी खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जब खर्चे ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आता है, और जब हम टोटल कॉस्ट में जितना भी हमें प्रॉफिट सेट करना है वो ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है 7000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया, जिसके अंदर हमने ओवरहेड्स के बारे में पढ़ा, ओवरहेड्स में आगे प्राइम कॉस्ट के बारे में पढ़ा, फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में पढ़ा, आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ा, फिर सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो जो थी हमारी ओवरहेड के ऊपर वो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।